मैं देश खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। साल 2024 का रण छिड़ चुका है, पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का दौर भी शुरू हो चुका है। देश में 18वीं लोकसभा के लिए सदस्यों का चुनाव आगामी अप्रैल माह में होने की संभावना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। दो दिन पूर्व ही सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने देश के कई राज्यों सहित मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में सबसे ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम काशी लोकसभा सीट से है, तो वहीं मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट से तीसरी बार जनार्दन मिश्रा को चुनावी रण में उतारा गया है। एक और जहां भाजपा ने पहली लिस्ट जारी कर अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, तो वहीं अब दूसरी ओर इंतजार कांग्रेस की बारी का है। फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर कयासों का दौर जारी है और लोग जानने के लिए बेचैन और बेताब है कि आखिर 2024 के रण में कौन। तो आइए चलते हैं और जानते हैं रीवा में कौन हो सकता है कांग्रेस का प्रत्याशी। रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के कई उम्मीदवार टिकट की रेस में हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में रीवा सीट के लिए सबसे ऊपर नाम है रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा का, जिसके बाद महिला नेत्री कविता पांडे, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, विनोद कुमार शुक्ला और नीलम अभय मिश्रा सहित कई अन्य नाम शामिल हैं। इधर कांग्रेस द्वारा कराए गए सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक रीवा सीट से महापौर अजय मिश्रा बाबा ही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो भाजपा को कांटे की टक्कर दे सकते हैं और उनके नाम की चर्चा जोरों पर है। बता दें कि अजय मिश्रा बाबा का नाम रीवा विधानसभा चुनाव में भी काफी आगे चल रहा था, लेकिन बाद में इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया गया और अब लोकसभा के चुनाव में भी अजय मिश्रा बाबा का नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ऊपर बताया जाता है। बात करें कांग्रेस के दूसरे कैंडिडेटों की, तो अजय मिश्रा के अलावा रीवा सीट से महिला नेत्री कविता पांडे, नीलम अभय मिश्रा, राजमणि पटेल और विनोद कुमार शुक्ला के नाम की भी चर्चा लोकसभा उम्मीदवारों के रूप में हो रही है। बता दें कि राजमणि पटेल कांग्रेस के सीनियर नेताओं में गिने जाते हैं, उन्हें कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद भी चुना जा चुका है और रीवा सीट से जातिगत समीकरण में भी वह फिट बैठते हैं, जिसके चलते राजमणि पटेल को लोकसभा की टिकट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। इधर कांग्रेस की महिला नेत्री कविता पांडे और नीलम अभय मिश्रा के नाम की भी चर्चा लोकसभा उम्मीदवार के रूप में है। बता दें कि कविता पांडे और नीलम अभय मिश्रा का नाम कांग्रेस द्वारा कराए गए सर्वे रिपोर्ट में भी आया है। महिला नेत्रियों में कविता पांडे की अपनी एक अलग पहचान है। उनका विवाक अंदाज में बोलना और सरकार के खिलाफ हमेशा मुखर रहना और जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा आवाज उठाना ही उनकी एक पहचान है। इधर नीलम अभय मिश्रा जो भाजपा से सिमरिया की पूर्व विधायक रही, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस नेत्री हैं और उनके पति अभय मिश्रा सिमरिया के वर्तमान विधायक हैं। नीलम मिश्रा का नाम भी कांग्रेस में लोकसभा प्रत्याशियों की रेस में शामिल है। हालांकि नीलम अभय मिश्रा की सक्रियता बेहद ही कम है, लेकिन उनके पति की चाणक्य नीति से हर कोई वाकिफ है और यही वजह है कि लोग नीलम मिश्रा के चुनावी मैदान में उतरने के कयास लगा रहे हैं। अब बात करें उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल एक और नाम की, तो वो नाम है विनोद कुमार शुक्ल का। बता दें कि यह नाम बेहद ही साइलेंट है, लेकिन कांग्रेस के भीतर इस नाम की चर्चा जोरों पर है। विनोद कुमार शुक्ल मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के भाई हैं, लेकिन वह कांग्रेस में सक्रिय है और विनोद शुक्ल की कांग्रेस में एक अच्छी पैठ भी है। विधानसभा के चुनाव में विनोद शुक्ल को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, जिसका निर्वहन उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी से किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बारी लोकसभा चुनाव की है,
जिसमें रीवा सीट से कांग्रेस को एक साफ और स्वच्छ छवि वाले कैंडिडेट की तलाश में है, जिसमें विनोद शुक्ल का नाम सबसे आगे आता है। बहरहाल रीवा लोकसभा सीट से 24 के रण में भाजपा ने जनार्दन मिश्रा को तीसरी बार मौका दिया है, तो वही अब इंतजार कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का है, जिसे लेकर कयासों का दौर जारी है। अगर आप भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर कयास लगा रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर कांग्रेस से 24 के रण में रीवा से कौन होगा। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें।